इस दुनिया में हर इंसान पैसे बनाना चाहता है, लेकिन जल्दी में, और इसी कारण से वो या तो गलत रास्ते पे निकल जाता है या नहीं बना पाता है। लेकिन कोई अगर सिस्टमेटिक तरीके से एक छोटी सी अवधि या एक मीडियम रेंज की अवधि के लिए पैसे जमा करता है, थोड़े थोड़े करके भी, तो अच्छा खासा पैसा जमा किया जा सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी यूट्यूबर जो लगभग 500 रुपये प्रति महीना कमाता हो और अगर वो जमा करे सही तरीके से तो वो लाखों में तब्दील हो सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कोई सिर्फ 500 रुपये पर महीना जमा करके, यानी कि 6000 रुपये साल के जमा करके 28 सालों में कैसे 28 लाख रुपये जमा कर सकता है। इस पाई चार्ट में हम देख सकते हैं कि कैसे सिर्फ आपने 28 सालों में 1,68,000 रुपये जमा किए हैं और आपको इस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो है लगभग 23,91,000 रुपये, जो कि लगभग 94% आपके रिटर्न का है, और ये टोटल मिला के आपको लगभग 28 सालों में 28 लाख रुपये देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आपने 2019 में 500 रुपये जमा करना शुरू किया पर महीने, यानी कि 6000 रुपये पर साल के, तो 2029 में आपका जो जमा हुआ पैसा रहेगा वो कितना होगा। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 66,000 रुपये का है और आपको इसमें इंटरेस्ट जो मिलने वाला है वो है लगभग 1,02,360 रुपये का। यही अमाउंट आपका बढ़कर 2039 में कितना हो जाएगा, जो आपके द्वारा जमा की गई राशि होगी वो लगभग 1,26,000 रुपये का होगा और इसमें आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो है 7,56,000 रुपये। यही अमाउंट 2047 में 25,63,000 हो जाएगा सिर्फ इंटरेस्ट का, और जबकि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 1,68,000 रुपये का रहेगा। आइए इसे हम एक टेबल के द्वारा समझते हैं। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि पहले साल हमने 500 रुपये पर महीने जमा करके एक साल में 6,000 रुपये जमा किए हैं और इसमें हमें 508 रुपये का इंटरेस्ट मिला है। साल के अंत में हमारा जो पैसा होगा वो होगा 6,508 रुपये का। दूसरे साल भी हम 500 रुपये पर मंथ जमा करेंगे और इस तरह से 6,000 जमा करेंगे, और जबकि हमारे पास ऑलरेडी 6,508 रुपये जमा रहेंगे तो हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो लगभग 15,049 रुपये का मिलेगा। तो टोटल हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो है 2,000 कुछ रुपये का। इसी तरह से 10 साल के बाद आपके द्वारा जमा की गई राशि रहेगी 60,000 रुपये और इसमें आपको इंटरेस्ट अर्न होगा लगभग 78,764 रुपये के, और आपके जो अकाउंट में पैसा जमा रहेगा वो है लगभग 1,38,764 रुपये। 15 सालों के बाद हमारा जो अमाउंट रहेगा जमा वो है 90,000 रुपये का और हमें इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो है 2,46,211 रुपये का, और इस तरह से आपके अकाउंट में 3,36,211 रुपये रहेंगे। अगर इसी तरह से हम देखें कि 20 सालों के बाद ये अमाउंट कितना होगा, तो आपके अकाउंट में रहेगा 7,50,915 रुपये, और इस तरह से 28 सालों के बाद आपके द्वारा जो जमा की हुई राशि होगी वो है 1,68,000 रुपये और आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा इसमें वो है 23,86,491 रुपये का, और इस तरह से आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होगा अमाउंट वो है 25,54,491 रुपये का। तो ये हुई ना पावर ऑफ